तो आज की वीडियो में मैं आपको जियो टीवी के ऐसे 5 ड्रामों के बारे में बताऊंगा जो आते ही तबाही मचा देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो टॉप 5 पर आते हैं जियो टीवी का मेगा अपकमिंग ड्रामा मोहब्बत की सजा। इस ड्रामे के टीजर आ चुके हैं। टीजर देखकर हमें दानिश तैमूर के ड्रामों की वाइब्स आ रही हैं, जैसे उनका टॉक्सिक कैरेक्टर होता है वैसे इस ड्रामे में हमें नजर आएगा। इस ड्रामे की मेन लीड में हमें मुनीब भट्ट और अनमोल बलोच देखने को मिलेंगे। इस ड्रामे को जंजबील आसम साहिबा ने लिखा है और इसे दीवानगी जैसे ब्लॉकबस्टर ड्रामे के डायरेक्टर रिशान अहमद ने डायरेक्ट किया है और ये सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन के बैनर तले बन रहे हैं। मुनीब भट्ट हमें सुल्तान के कैरेक्टर में नजर आएगा। सुल्तान एक साइको कैरेक्टर होगा। पहले न्यूज मिली थी कि ये ड्रामा हमें मन्नत मुराद ड्रामे को रिप्लेस करता नजर आएगा, लेकिन इस ड्रामे ने मन्नत मुराद ड्रामे को रिप्लेस नहीं किया और जियो वाले भी इस ड्रामे की कोई कंफर्म रिलीज डेट नहीं दे रहे। तो आपने इस ड्रामे के टीजर देखे हैं या नहीं देखे? आपको टीजर कैसे लगे? आप इस ड्रामे का वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप ये ड्रामा किसकी वजह से देखे? ये मुनीब भट्ट की वजह से या अनमोल बलोच की वजह से या फिर ये जियो टीवी का ड्रामा है इस वजह से? तो आप जरूर बताइएगा कि आपको टीजर कैसे लगे, आपको स्टोरी कैसी लगी। आपका जो भी फीडबैक हो आप अपने फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह कीजिएगा। तो टॉप 4 पर आते हैं जियो टीवी का मेगा अपकमिंग ड्रामा सुन मेरे दिल तेरे बिन ड्रामे के बाद ये वाज अली हमें इस ड्रामे में नजर आएंगे। इसकी मेन लीड में हमें दो कपल देखने को मिलेंगे। फर्स्ट कपल में हमें वाज अली और माया अली देखने को मिलेंगे और सेकंड कपल में हमें उसामा खान और हीरा मानी देखने को मिलेंगे। इस ड्रामे को खलील और रहमान कमर सैम ने लिखा है और इसे असीम हसन ने डायरेक्ट किया है और ये सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन के बैनर तले बन रहे हैं। इस ड्रामे की शूटिंग आखिरी मराइल में है। इसकी शूटिंग कम्प्लीट होने के बाद इस ड्रामे की पोस्ट प्रोडक्शन का काम होगा। रमजान में इस ड्रामे के टीजर आ जाएंगे और ईद के बाद ये ड्रामा हमें जियो टीवी पर देखने को मिलेगा। तो आप ये ड्रामा किसकी वजह से देखेंगे? तो आप जरूर बताइएगा कि आप वाज अली और माया अली को एक साथ देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। आप ये ड्रामा किसकी वजह से देखेंगे? माया अली और वाज अली की वजह से या फिर उसामा खान और हीरा मानी की वजह से या फिर ये जियो टीवी का ड्रामा है इस वजह से? तो आपका जो भी फीडबैक हो आप अपने फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो टॉप 3 पर आते हैं जियो टीवी का मेगा अपकमिंग ड्रामा जान निसार। जियो टीवी पर एक ड्रामा आने जा रहा है जिसका नाम है जान निसार, जिसकी मेन लीड में हमें हिबा बुखारी और दानिश तैमूर देखने को मिलेंगे। दानिश तैमूर हमें नुशेर गजनवी के कैरेक्टर में नजर आएंगे और स्पोर्टिंग कास्ट में हमें अरुण शैद, शमाइल खान, महमूद असलम और शरीफ बलोच देखने को मिलेंगे। इस ड्रामे को रियाना आफ्ताब ने लिखा है और इसे मोहसिन मिर्जा डायरेक्ट कर रहे हैं और ये सेवन स्काई इंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन के बैनर तले बन रहा है। इस ड्रामे की शूटिंग इकरा यूनिवर्सिटी में की जा रही है और ये ड्रामा हमें ईद के बाद जियो टीवी पर देखने को मिल जाएगा। बाकी आप दानिश तैमूर और हिबा बुखारी को दीवानगी जैसे ब्लॉकबस्टर ड्रामे के बाद अब फिर से एक साथ देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है? देखते हैं कि दीवानगी ड्रामे की तरह ये दोनों फिर से वैसा जादू चलाते हैं कि नहीं। और आप फिर से दानिश तैमूर और हिबा बुखारी को एक साथ देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है? आप ये ड्रामा किसकी वजह से देखेंगे? हिबा बुखारी और दानिश तैमूर के पेयर की वजह से या फिर ये जियो टीवी का ड्रामा है इस वजह से? और आप इस ड्रामे को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है? आप इस ड्रामे का वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो आपका जो भी फीडबैक हो आप अपने फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो टॉप 2 पर आता है जियो टीवी का मेगा अपकमिंग ड्रामा खुदा और मोहब्बत सीजन 4। अब्दुल्ला कादवानी ने हमें एक हिंट दी थी कि इसके सीजन 4 के हवाले से जब इन्होंने एक पोस्ट के थ्रू पूछा था कि क्या आप इसका सीजन 4 देखना चाहते हैं कि नहीं। अब एक पिक्चर सामने आई है हरून कादवानी की जिसमें इन्होंने मेंशन किया था कि हरून कादवानी सेवन स्काई जियो टीवी का एक ड्रामा करने जा रहे हैं। फिर खुदा और मोहब्बत सीजन 3 के डायरेक्टर वजाद हुसैन ने एक बीटीएस वीडियो शेयर की जिसमें क्लियर नजर आ रहा है कि हरून कादवानी ने इस ड्रामे की शूटिंग स्टार्ट कर दी है और दूसरी तरफ
तरफ शामीन खान जो कि सीजन 3 में थी, इन्होंने भी कंफर्म किया है कि अब अरुण कादवानी और शामीन खान तो कंफर्म है, बाकी देखते हैं कि हमें फिरोज खान देखने को मिलते हैं कि नहीं। इकरा अजीज तो नहीं होंगी क्योंकि इन्होंने तो फिरोज खान के साथ काम करने से बायकॉट किया है। तो आप जरूर बताइएगा कि आप इस ड्रामे में फिरोज खान और अरुण कादवानी के साथ किस एक्टर को देखना चाहते हैं और आप कितने एक्साइटेड हैं खुदा मोहब्बत सीजन 4 के लिए। इसकी शूटिंग जारी है तो ये हमें इस साल के एंड तक देखने को मिल जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि अरुण कादवानी और फिरोज खान के ऑपोजिट हमें किन्ला हाशमी या सैर खान देखने को मिले। बाकी आप क्या चाहते हैं, आपका जो भी फीडबैक हो आप अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा। तो टॉप 1 पर आता है जियो टीवी का मेगा अपकमिंग सीक्वल तेरे बिन 2। तेरे बिन ड्रामा पिछले 3 सालों का सबसे बड़ा ड्रामा है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग TRP ली और 7 व्यूज भी लिए और ये ड्रामा पाकिस्तान के साथ इंडिया में भी छाया रहा। इसका सेकंड सीजन अनाउंस हुआ, फिर एक फोटोशूट हुआ और कुछ पिक्चर सामने आई जिसमें वाज अली और यमुना जैदी थे। उससे ये कंफर्म हो गया था कि इस ड्रामे में वाज और यमुना कंफर्म है और इस ड्रामे को सराजुल हक ही डायरेक्ट करेंगे और नूरा मखदूम इसका स्क्रिप्ट लिख रही है। और कुछ दिन बाद एक न्यूज आई कि तेरे बिन 2 में हमें अहमद अली अकबर नेगेटिव रोल में देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर ये न्यूज आई कि अहमद अली अकबर तेरे बिन सीजन 2 में नहीं होंगे। लेकिन अब कंफर्म न्यूज आ गई है कि तेरे बिन 2 में हमें अहमद अली अकबर एक विलन के कैरेक्टर में नजर आएंगे, जैसे पिछले सीजन में सबीना फरूक हया के कैरेक्टर में नजर आई थी। अब उसी रोल को अहमद अली अकबर अदा करेंगे। इस दफा स्टोरी डिफरेंट होगी। इस ड्रामे की शूटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। वाज अली इस वक्त सुन मेरे दिल की शूटिंग में बिजी हैं और यमुना जैदी जेंटलमैन की शूटिंग में बिजी हैं। जैसे ही वाज अली सुन मेरे दिल की शूटिंग से फ्री होंगे और तेरे बिन सीजन 2 की शूटिंग को ज्वाइन करेंगे। हो सकता है कि मार्च के स्टार्ट में या मार्च के एंड में हमें इस ड्रामे की शूटिंग होती नजर आए और ये ड्रामा हमें इस साल के एंड में देखने को मिलेगा। तो आप जरूर बताइएगा कि आप तेरे बिन सीजन 2 का वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और आपको अहमद अली अकबर की एंट्री कैसी लगी, आप इस ड्रामे को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, और आप तेरे बिन सीजन 1 को 10 में से कितने मार्क्स देंगे। तो आपका जो भी फीडबैक हो आप मुझे अपने फीडबैक से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा और आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप जियो के इन 5 ड्रामाज में से नंबर 1 पर किस ड्रामाज को रखना चाहते हैं और आप इन ड्रामों में से किस ड्रामे का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं और आप इन ड्रामों में से किस ड्रामे को नंबर 1 पे चूज करते हैं और आप इन 5 ड्रामाज में से किस ड्रामे का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं, आप इनमें से कौन से ड्रामे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं और आप इन 5 ड्रामाज में से सबसे पहले कौन सा ड्रामा देखेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप अपने फीडबैक से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।